हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आप लोगों को नेक डिज़ाइन की कटिंग और स्टिचिंग करना बताऊंगी, जिसके लिए मैं इस बुकरम को यूज़ करूंगी। इस बुकरम को जो है इस तरह से डबल फोल्ड करना है, देखिए इस तरह से डबल फोल्ड करना है। इनके बाद जो है यहाँ पे नेक के लिए निशान लगाना है 3 इंच। आप यहाँ पे अपने हिसाब से ले लीजिएगा जितना भी आपको रखना है, और नेक डिप भी अपने ही हिसाब से लीजिएगा। मैं यहाँ पे 5.5 इंच रखूँगी, और एक निशान यहीं से 3 इंच पे रखना है। यहाँ पर नेक का शेप देना है। आप जो है यहाँ पे राउंड शेप भी रख सकते हैं, और यहाँ पे जो निशान लगाया है इससे नीचे जो है यहाँ पे मैं निशान लगाऊंगी 8.5 इंच पे, और 1 इंच इस तरह से इसकी चौड़ाई लेना है। और यहाँ पे 1/2 इंच या 1 इंच ले सकते हैं, जितना भी आपको लेना है, जितना चौड़ा पट्टी आपको चाहिए उसी हिसाब से आप ले लीजिएगा। और यहाँ पे जो है इस तरह से मार्क करना है, देखिए इस तरह से मार्क करना है। इनके बाद जो है इसको कट कर लेना है। तो देखिए ये इस तरह से बन के तैयार होगा। अब इसके लिए सूट में मुझे एक फैब्रिक में चिपकाना है बुकरम को। आपको अगर चिपकाने वाला बुकरम हो तो आप चिपका लीजिएगा। देखिए इसको जो है रॉन्ग साइड के तरफ में रखते हुए इसको चिपकाना है, क्योंकि राइट साइड जो है ऊपर की तरफ आएगा, इसीलिए इसमें इसको रॉन्ग साइड में चिपकाना है। तो देखिए मैं इसको चिपका चुकी हूँ, और यहाँ पे साइड से इसको कट कर लेना है। इनके बाद इसको इस तरह से फोल्ड करते हुए स्टिच कर लेना है। देखिए स्टिच करने से फिनिशिंग जो है वो ज़्यादा अच्छा आता है। आप चाहे तो यहाँ पे प्रेस करके ऐसे ही रख सकते हैं, पर स्टिच कर लेने से फिनिशिंग ज़्यादा अच्छा आएगा, इसलिए मैं यहाँ पे स्टिच ही कर लेती हूँ। बाद में इस सिलाई को निकाल लेना है। अगर आपका मैचिंग का धागा है, अगर दिखाई नहीं पड़ता है तो आप रख दीजिएगा, या अगर अलग लगे तो इसे निकाल लीजिएगा। अब जो है इस तरह से सूट के ऊपर में रखना है, देखिए रॉन्ग साइड के ऊपर में रखना है इसको। रॉन्ग साइड के ऊपर में रखते हुए इसमें स्टिच लगानी है, और नॉर्मल जो नेक डिज़ाइन बनाते हैं इसको राइट साइड के तरफ को रखते हैं, पर इसको रॉन्ग साइड के तरफ को रखना है। और मिडिल को मिलाते हुए यहाँ पे पिन लगा लेना है। अगर आपके पास पिन ना हो तो आप यहाँ पे ऐसे ही सिलाई भी लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे पिन लगाऊंगी। अब जो है इस तरह से किनारे से सिलाई को लगाना है, बुकरम के ऊपर में सिलाई को नहीं लगाना है। पिन को यहाँ से हटा लेंगे। इनके बाद जो है यहाँ पे थोड़ा सा फैब्रिक को रखते हुए बचा हुआ फैब्रिक को कट काट के निकाल लेना है। इस तरह से नोच लगा लेना है। इससे जो है फिनिशिंग बहुत अच्छा आता है। अब इसको जो है सीधी तरफ को इस तरह से पलट लेना है। देखिए इस तरह से सीधी तरफ को पलट लेंगे, इसमें प्रेस कर लीजिएगा। प्रेस करने से फिनिशिंग ज़्यादा अच्छा आता है, तो इसको प्रेस कर लीजिएगा। यहाँ पे जो है किनारे में सिलाई को लगाना है। देखिए इस तरह से किनारे में सिलाई को लगाएंगे,
यहाँ पे मैचिंग का धागा को लेना है और किनारी में सिलाई को लगा लेना है। तो देखिए यहाँ पे सिलाई को लगा लेने के बाद यहाँ पे सिलाई को लगाना है। तो देखिए पूरे में सिलाई को लगा लिए हैं। अब जो है ये जो हम लोग पहले सिलाई को लगाए थे, इस सिलाई को आप निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे सिलाई को निकाल चुकी हूँ और इनके बाद यहाँ पे सिलाई जो है, देखिए किस तरह से सिलाई को लगाई हूँ, इसका फिनिशिंग बहुत ही अच्छा आया है। अब इसके लिए जो है यहाँ पे बटन को लगाना है, तो आप बटन किसी तरह का भी बटन को ले सकते हैं। अगर आपके पास जिस तरह का भी बटन हो, इसी तरह का बटन को ले सकते हैं। और जो हम लोग का सूट का फैब्रिक है, इसी को इस तरह से बटन के ऊपर को लगाना है। देखिए इस तरह से बटन के ऊपर में इस तरह से रखते हुए धागा से, धागा के हेल्प से इस तरह से हम लोग को गांठ लगाना है। देखिए इस तरह से इसमें गांठ डालना है। फिर एक गार्ड डालना है। तो देखिए इस तरह से एक बटन बनके तैयार हो गया है। और ये जो है पीछे वाला कपड़ा जो है, इसको ठीक से काट लेना है। इसी तरह से तीनों बटन को बनाना है। तो देखिए मैं इनको भी बना के दिखा रही हूँ। इसको इस तरह से रखते हुए जो है फिर से इसमें धागा को लगाएंगे और इसी भी बटन को बना लेंगे। यहाँ पे आप बटन भी अपने हिसाब से रख सकते हैं, आपको जितना भी बटन रखना है। मैं यहाँ पे सिर्फ 3 ही बटन रखूंगी। तो देखिए इसी सेम प्रोसेस से यहाँ पे गांठ को लगाते हुए तीनों बटन को बनाना है। तो देखिए तीनों बटन को बना लिए हैं। इसको इस तरह से रखते हुए इसमें सुई और धागा से जॉइंट कर लेना है। और अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर मेरे चैनल में नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और साथ ही घंटे का ऑल पे भी क्लिक कर लीजिएगा, ताकि हर नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन को सबसे पहले पा सके। और अगर मेरा न्यू वाला चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब भी उसको भी कर लीजिएगा। मैं इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इसमें भी जो है सिलाई से जुड़ी हुई वीडियोस ही आते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरा उस चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा।